हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। बेसिकली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि जो सॉलिड होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट से फॉर्म हुए होते हैं और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट होता है बहुत परफेक्ट ऑर्डर में होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होते हैं सॉलिड में वो बहुत ही लेस होते हैं। सो बेसिकली ये इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है, कितने टाइप्स का होता है और जब अरेंजमेंट होता है तो उसमें यूनिट सेल क्या फॉर्म होता है। ठीक है, सो आइए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करें क्लोज्ड पैक्ड, तो पैकिंग का मतलब क्या होता है? एक्चुअली पैकिंग का मतलब यह है कि सपोज दैट जैसे हमको कहीं बाहर जाना है, सो बाहर जाते हैं तो हम लोग अपना सामान पैक करते हैं, तो सामान पैक करने में जो भी बैग होता है उसमें हम अपनी जरूरत के सामान को कुछ इस तरह से रखते हैं जिससे वो क्या हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से अरेंज हो जाए उस पार्टिकुलर स्पेस में जो बैग के अंदर में है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, सॉलिड हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट से फॉर्म होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर में कुछ इस ऑर्डर में होता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट उस पार्टिकुलर स्पेस में सॉलिड के अंदर में जो है वहां पर अरेंज हो जाए। ठीक है, सो इसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग। सो पहला पॉइंट जो हमारा है इसमें, जो सॉलिड हमारा सॉलिड में जो अरेंजमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस हमारा क्या होता है, बहुत लेस होता है। सेकंड हमारा क्या, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको हम लोग हार्ड स्फीयर से शो करते हैं। थर्ड हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली टच होता है जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। मतलब पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट कितने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से डायरेक्टली टच है, कितने डायरेक्टली वो क्या है इंटरैक्ट हो रहा है, वो हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सो बात करते हैं हम पैकिंग की। सो पैकिंग का मतलब हमने देखा कि हमारा क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सॉलिड, यही हमारा क्या है, पैकिंग है। अच्छा, पैकिंग के बारे में हम देखते हैं, तो पैकिंग हम तीन डायरेक्शन में कर सकते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट हम तीन डायरेक्शन में कर सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। सो इसी को देखते हुए पैकिंग हमारे तीन तरह के होते हैं, दैट इज वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। सो पहले हम बात करेंगे वन डायमेंशनल पैकिंग की। सो वन डायमेंशनल का मतलब क्या है कि हमको कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट किसी एक डायमेंशन में करना है। सपोज हमने यहाँ एक्स डायरेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट को हम लोग प्लेस करते हैं। सो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस होगा वो हमारा बहुत कम होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो आप यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं कि पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट कितने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन करा, डायरेक्टली टच है। तो आप देख रहे हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूएंट से ये टच हो रहा है, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इस अरेंजमेंट में, दो होगा। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल पैकिंग में। तो टू डायमेंशनल पैकिंग दो तरह का होता है, पहला स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग होता है, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होता है। एक्चुअली जो ये टू डायमेंशनल फॉर्म हुआ है ये वन डायमेंशनल से ही बना हुआ है। हम क्या करते हैं कि टू डायमेंशनल फॉर्म करने के लिए जस्ट ये जैसे वन रो हमारा ये हुआ, इसके नीचे सेकेंड रो हम लगाएंगे, दैट इज एक्स डायरेक्शन में होगा, अब हम वाई डायरेक्शन में भी अरेंजमेंट करेंगे। तो चलिए उसको हम देखते हैं ये कैसे होता है। सपोज ये हमारे जो क्वाइंस हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो सबसे पहले टाइप टू डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करते हैं। सो यहाँ पर ये हमारा अभी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट है। जस्ट इसके नीचे अगर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो हम ऐसे लगा दें, सो ये अभी हमारा क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में और ये हमारा क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में। ऐसे हम तीसरा रो भी लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, सो ये जो हमारा हो गया, ये अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया, टू डायमेंशनल पैकिंग हो गया। ठीक, अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर का। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा ए ए टाइप कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो ये हमारा क्या पहला रो था, दूसरा रो जो है जस्ट इसके पैरेलल है, मतलब पहला रो और दूसरा रो में क्या है, सिमिलर है, एक ही जैसे हैं। ठीक है, सो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए ए टाइप, दैट इज अ टू डायमेंशनल ए ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। सो पर्टिकुलर कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट कितने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली टच में है। सो आप यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, सो फोर कॉन्स्टिट्यूएंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है, सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम क्यों बोलते हैं, जो भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में जो भी एटम इंटरेक्ट हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनको हम स्ट्रेट लाइन से अगर हम ज्वाइन करें, सो जो ज्योमेट्री जो लैटिस फॉर्म होती है वो स्क्वायर शेप का होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, जैसे हमारा क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर हम इन चारों को अरेंज करें, ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो हमारा क्या होता है, एक स्क्वायर फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसलिए दूसरा हमारा आप देख रहे हैं कि ये कुछ स्मॉल स्पेसेस बच जाते हैं, इन स्मॉल स्पेसेस को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स।
ये जो स्मॉल स्पेसेस होते हैं, वैकेंट स्पेसेस होते हैं बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट, दीज आर नोन एज अ वॉइड्स, इनको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के समय डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में जनरेट होते हैं। सो यहाँ पे जो वॉइड्स होते हैं, अगर आप इन वॉइड्स का शेप देखेंगे तो ये भी एक स्क्वायर शेप का ही होता है। यहाँ पर आप शेप देखेंगे, जो वॉइड्स है, जो वैकेंट स्पेस है, ये भी हमारा क्या, एक स्क्वायर शेप में ही है। सो दिस स्पेस इज नोन एज अ स्क्वायर वॉइड्स, ठीक है। सो इस फिगर में देखिए, सेम यहाँ पर वही किया गया है, हमने ये कॉन्स्टिट्यूएंट लिया डायरेक्टली, कितने से अटैच रही है, फोर कॉन्स्टिट्यूएंट से अटैच था ये, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फोर हो गया, ऑल रोज आर द पैरेलल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए टाइप अरेंजमेंट, टू डायमेंशनल। सेकेंड थिंग, अगर हम जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ डायरेक्टली इंटरैक्ट हो रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर में ने, अगर उनको हम ज्वाइन कर दें तो एक स्क्वायर ज्योमेट्री फॉर्म होती है, एक स्क्वायर लैटिस फॉर्म होता है, दैट्स व्हाट इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्पेस जो होता है यहाँ पर, जो वॉइड्स जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर वॉइड। वॉइड की जो डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर है, द वैकेंट स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉल्ड द वॉइड्स। अब हम सेकेंड टाइप अरेंजमेंट की बात करेंगे, टू डायमेंशनल में ही। सेकेंड टाइप की जो पैकिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप और हेक्सागोनल टू डायमेंशनल पैकिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रो जो हम लगाएंगे, सेकेंड डायमेंशनल पैकिंग करने के लिए जो हम सेकेंड रो अप्लाई करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो कुछ हम इस तरह से करेंगे, दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट को हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। पहले वाले में स्क्वायर में हमने कहाँ अरेंज किया था, यहाँ पर अरेंज किया था, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट को हम कुछ ऐसे रखे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट करेंगे वो कुछ ऐसे रखेंगे, इसके जो भी यहाँ डिप्रेशन है दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में जो जगह मिली वहां पर हम अरेंजमेंट करेंगे। सो इस तरह का अरेंजमेंट करने से हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट जनरेट होता है, ठीक। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं ए बी ए बी टाइप, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। ए बी ए बी हम क्यों बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये हमारा ए टाइप रो हुआ तो ये हमारा क्या होगा, डिफरेंट है, तो इसको हम लोग बी टाइप देंगे। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड रो बोथ आर पैरेलल टू द ईच अदर, सो अगर ये ए होगा तो ये भी ए टाइप का अरेंजमेंट होगा। इसके बाद अगर हम अरेंजमेंट करेंगे फर्दर, सपोज डेट अगर हम यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, सो फिर आप देख रहे हैं दूसरा और ये फोर्थ, सेकेंड रो एंड द फोर्थ रो आपस में क्या है, पैरेलल है, ये ए है तो ये बी होगा, ये ए है तो ये फिर बी होगा, तो डेट्स राइट इज नोन एज ए बी ए बी टाइप, टू डायमेंशनल अरेंजमेंट। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं, सो पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट कितने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से डायरेक्टली इंटरैक्ट, डायरेक्टली टच में, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखिए हम यहाँ पर यहाँ इससे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डायरेक्टली 6 कॉन्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इस फॉर्म में इसका हमारा क्या होगा, 6 होगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली कितने से अटैच्ड है, 6 अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से टच में, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, इनको अगर हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें, तो जो यूनिट सेल हमको फॉर्म होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमारा क्या होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है। ये हमारा इनको अगर हम ज्वाइन करें, सो दीज आर लुक्स लाइक द हेक्सागोनल, दैट्स व्हाट यू नो द हेक्सागोनल टू डायमेंशनल पैकिंग। नाउ अगर हम बात करते हैं इनके बीच में, आप देख रहे हैं कुछ वैकेंट स्पेसेस हैं, इन वैकेंट स्पेसेस को हम वॉइड बोलते हैं। अगर इन वॉइड्स का आप शेप देखिए तो इट लुक्स लाइक द ट्रायंगल, ये हमारा कुछ ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है, ट्रायंगल शेप में है ये, इसलिए हम इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल पैकिंग की। तो नाउ हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल पैकिंग की। सो थ्री डायमेंशनल जो होता है वो फॉर्म हुआ होता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। टू डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, टू डायमेंशनल हमने देखा कि दो तरह का होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। इन टू डायमेंशनल में हम देख रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट है वो दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है एंड वाई डायरेक्शन में है। हम थ्री डायमेंशनल में अरेंज करने के लिए इसके ऊपर, इन अरेंजमेंट्स के ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूएंट के रोज लगाने स्टार्ट करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट करते हैं, मतलब ऐसे जेड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। सो हमारा वो थ्री डायमेंशनल में जनरेट हो जाएगा। सो बिकॉज ऑफ ये हमारे दो तरह के होते हैं टू डायमेंशनल, इसके ऊपर ही हमको रोज लगा के थ्री डायमेंशनल जनरेट करना है। सो थ्री डायमेंशनल जो कोस्ट क्लोज्ड पैकिंग होती है ये भी हमारे दो तरह के होंगे, एक हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग पे हम अरेंजमेंट लगाएंगे, दूसरा हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग पे अरेंजमेंट लगाएंगे। सो पहला हम किस में लगाएंगे, पहला हम जो अरेंजमेंट लगाने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो ये नीचे की रोज आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। हमने क्या किया, ये जो रोज है यहाँ पर अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये हमारा क्या, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग है। इसके ऊपर हम अरेंजमेंट, मतलब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हम रखते चले जा रहे हैं। सो ये जो हमारा अरेंजमेंट तैयार होगा, जब हम इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट रखेंगे तो जस्ट इसके ऊपर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट इसी के जस्ट ऊपर हमको रखने हैं, तो वो जो सेकेंड रो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और जो नीचे वाला रोज होगा उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा आपस में पैरेलल होंगे।
दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ए टाइप कॉन्स ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो हमारा अरेंजमेंट तैयार होगा, मतलब सेकेंड रो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, फर्स्ट रो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, वो आपस में अलाइंड होंगे। ये सारे जो जितने भी रोज यहां पर हम लगाएंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, अलाइंड होंगे। कुछ ऐसे यहां पे, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। सो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, क्योंकि यहां पर जो हमारा लैटिस जनरेट होता है वो हमारा कुछ सिंपल लैटिस होता है, दैट इज अ प्रिमिटिव लैटिस। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, इसलिए हम इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं तो यहां पर जो यूनिट सेल जनरेट हो रही है वो क्यूब स्ट्रक्चर का जनरेट हो रहा है। सो इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे, सो किसी कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंट कितने अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से अटैच्ड है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सो इस कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हम बात करते हैं। सो ये हमारा क्या होगा, ये किससे अटैच्ड है, किससे अटैच, फोर कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो ये क्या है, एक प्लेन में अटैच्ड है। बाकी यहाँ क्या होगा, इसके आगे भी लैटिस होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट इसके आगे भी होगा इस साइड में, तो क्या होगा, एक वहां कॉन्स्टिट्यूएंट होगा इस साइड और एक इस कॉन्स्टिट्यूएंट के जस्ट पीछे होगा। ठीक है, सो फोर तो क्या हो गया, फोर कॉन्स्टिट्यूएंट तो क्या हो गया, एक फेज में आ गई, हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। चार कॉन्स्टिट्यूएंट तो एक ही प्लेन में हो जाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, इसके आगे जो होगा वो इसके यहां पर ऊपर हो गया और एक कॉन्स्टिट्यूएंट के पीछे उसको नीचे हो गया। सो कोऑर्डिनेशन नंबर हम यहां बात करेंगे तो चार तो एक ही फेज में हो गए और एक क्या होगा, अपसाइड और एक डाउन साइड, तो टोटल मिला कितने हो गए, सिक्स। तो इस तरह के अरेंजमेंट, मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो पैकिंग होती है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, सिक्स होगा। दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है, नाउ जो सेकेंड टाइप का होगा उसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट का जो सेकेंड रो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। यहां पर जो आप जो वैट जनरेट हो रहा है यहां पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसा अरेंजमेंट हमारा कुछ होगा। ठीक है, अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट के अरेंजमेंट से देखें, क्वाइंस से देखें, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट, ये तो हमारा हो गया टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। इस स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में पहला टाइप हमने क्या देखा, ए टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट जो होगा हमारा क्या होगा, ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा। ठीक, ए टाइप अरेंजमेंट में हमने क्या देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जस्ट इसके ऊपर हमने रखा, जो कि यहां पर बना हुआ है पीछे एक साइड में, इसके इस साइड में हमारा क्या था, वो ए टाइप, जिसमें हमारा क्या होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस जनरेट हुआ था। इस वाले में हम क्या होंगे, ये वाला जो हमारा क्या होगा, ए बी टाइप, इसमें क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को हम इसके यहाँ पे जो भी वैकेंट स्पेस देख रहे हैं यहां पर हमको रखना है। सो कुछ ऐसे, ठीक है, अगर हम सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पे रखेंगे तो कुछ हमको ऐसा अरेंजमेंट जनरेट, कुछ इस तरह से। सो यहां पर हमारा क्या होता है, ऐसे अरेंजमेंट में जो लैटिस जनरेट होती है वो हमारा क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारा कोई पार्टिकुलर, सपोज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, सो ये कितने से डायरेक्टली इंटरैक्ट है, सो फोर तो इसके नीचे हो गए, ठीक है, फोर तो इसके क्या हो गया, नीचे हो गया, और चार इसके ऊपर हो, क्योंकि ए बी टाइप अरेंजमेंट है। सो सपोज दिस लेयर इज ए टाइप, ये लेयर जो हमारा होगा ये बी टाइप होगा, इसके ऊपर फिर हमारा क्या होगा, सेम इसी तरह का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यहां यहां इस तरह से, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये हमारा क्या होगा, ए बी टाइप अरेंजमेंट है। सो यहां पर आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये चार तो नीचे से टच्ड हैं और चार इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट टच होंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां कितने हो गए, फोर डाउन साइड एंड फ्रॉम फोर कहां से होंगे, अप साइड, मिला के कितने हो गए, एट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, एट होगा। इस तरह के पैकिंग हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, क्यों, क्योंकि चार तो हमारे क्या होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, एक क्या होगा, सेंटर पर होगा। ठीक है, सो यहां पे जो लैटिस जनरेट होता है वो हमारा क्या होता है, बीसीसी, दैट इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस हमारा ये जनरेट होता है। इसमें क्या होंगे, फोर तो इसके कॉर्नर्स पे होंगे और एक क्या होगा, इसके सेंटर में होगा। सो हमने देखा कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज द टू टाइप्स, फर्स्ट इज द ए टाइप एंड सेकंड इज द ए बी टाइप। ठीक है, पहला हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, एंड सेकंड जो होता है हमारा क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होता है, इस वाले केस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है एट। नाउ अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, हेक्सागोनल टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। इस हेक्सागोनल में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो स्पेसेस हैं ये हमारे वैकेंट्स होते हैं। अब हम ये हमारा फर्स्ट लेयर है, दिस वन इज, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लेयर है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, थ्री डायमेंशन में जनरेट करने के लिए इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर लगाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट का। सो सेकेंड लेयर हम लगाने के लिए जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट करते हैं वो यहां पर करते हैं। जैसे जो इसके ऊपर वैट दिख रहा है इसके ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंज करेंगे।
सपोज डैट इस तरह से हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे। अगर हम सारा अरेंजमेंट देखते हैं तो वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ ऐसे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो भी हमने अरेंजमेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो हमने कहाँ अरेंज किया है, जो भी नीचे वाले लेयर में हमारा वायर जनरेट हो रहा था उसके जस्ट हमने ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। सो अब ओवरऑल यहाँ पर देख रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब हम थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट करते हैं तो दो तरह के वायर्स यहाँ जनरेट होते हैं। पहला वायर क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट लेयर का जो ट्रायंगुलर वायर है, और ये जो सेकंड लेयर का ट्रायंगुलर वायर है, ये दोनों ही आपस में इंटरैक्ट हो जाए, दोनों ही आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर्स को जो दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट लेयर का ट्रायंगुलर वायर, सेकंड लेयर का ट्रायंगुलर वायर, दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है, दोनों आपस में क्या है, मैच कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो स्पेस जनरेट होगा, ये जो पोर्शन होगा, ये हमारा कहलाता है ऑक्टाहीड्रल वायर। नेक्स्ट हमारा वायर जो जनरेट होगा वो हमारा क्या कहलाता है, टेट्राहीड्रल वायर। ऐसा वायर जहां पर हमारा क्या होगा, दोनों ट्रायंगुलर वायर आपस में इंटरैक्ट नहीं होंगे, वो हमारा कहलाता है टेट्राहेड्रल वायर। जैसे ये हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वायर, दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल वायर, ये हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल वायर, दिस वन इज आल्सो द ऑक्टाहेड्रल वायर। सो हम फिगर की अगर हम बात करते हैं तो इस फिगर में आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर से जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट लेयर सेकेंड टू डायमेंशनल, एंड हमारा जो इससे देख रहे हैं पेंसिल से जो आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सेकेंड लेयर है टू डायमेंशनल। अगर हमारे क्या है, दोनों ये हमारे टेट्राहेड्रल वायर आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरैक्ट हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वायर, ठीक है। अगर हमारे क्या होंगे, जो वायर जनरेट होंगे ट्रायंगुलर वायर, वो मैच नहीं कर रहे, तो हमारा क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वायर। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, ये हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, डेट इज अ लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वायर में आपको ये बताया जाएगा। सो पहला यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ द टोटल नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एन है, सो जो टेट्राहेड्रल वायर्स, ये जो रेड वाले जो वायर्स जनरेट होंगे, ये क्या होंगे, 2n होंगे। अगर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे n है तो ये टेट्राहेड्रल वायर जो जनरेट होंगे उसमें जस्ट डबल होते हैं, और ये जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स जनरेट होंगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के इक्वल होते हैं। सपोज अगर ये हमारा 4 कॉन्स्टिट्यूएंट है तो टेट्राहेड्रल वायर हमारे 8 जनरेट होंगे और ऑक्टाहेड्रल वायर हमारे क्या होंगे, 4 होंगे, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये यूज होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, और एग्जैक्टली ये आया कहाँ से ये भी आगे देखा जाएगा, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वायर। सो नाउ वी आर प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। सो हम जब सेकेंड लेयर पर हम जब थर्ड रो अरेंज करेंगे, सो हमने देखा था कि जब हम सेकेंड हेक्सागोनल नॉर्मल जो हमारा हेक्सागोनल टू डायमेंशनल अरेंजमेंट था उस पर जब हमने सेकेंड रो का जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमने जब अप्लाई किया तो देखा दो तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म हो रहा था। पहला हमारा क्या था टेट्राहेड्रल वायर था दिस वन, ये हमारे क्या थे, टेट्राहेड्रल वायर थे, और दूसरा हमारा क्या था जिसमें हमारे ये कॉन्स्टिट्यूएंट मैच कर रहे हैं, वो हमारे ऑक्टाहेड्रल वायर थे। सो जब हम थर्ड रो इसके ऊपर लगाएंगे तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हम क्या करें, जो यहाँ पे टेट्राहेड्रल है सेकेंड रो का उसको हम उसके ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूएंट रखें, या दूसरा हम क्या है, जो सेकेंड रो में जनरेट हो रहा है हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर वहां पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट रखें। सो दो कंडीशंस हैं यहाँ पर थर्ड रो लगाने के लिए, पहला तो क्या है, कवरिंग ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर, एंड सेकेंड हमारा क्या है, कवरिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वायर। सो बात करते हैं सबसे पहले कवरिंग ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर। अगर हम टेट्राहेड्रल वायर को कवर करते हैं तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होंगे, डैट अरेंजमेंट यूज अ एबीएबी टाइप, जो इसमें यूनिट सेल जनरेट होगा, डैट यूनिट सेल इज अ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, वो हेक्सागन के फॉर्म में फॉर्म होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। चलिए अब देखते हैं टेट्राहेड्रल वायर को सेकेंड रो में जो टेट्राहेड्रल वायर्स फॉर्म हो रहे हैं उनके ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे। तो दिस वन इज आवर फर्स्ट रो, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड रो हो गया। हमको प्लेस कहाँ करना है कॉन्स्टिट्यूएंट, सेकेंड रो के टेट्राहेड्रल वायर को। सो जैसे हम सेकेंड रो के टेट्राहेड्रल वायर को हम अरेंज करते हैं, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया, टेट्राहेड्रल वायर वहां यहां पर था, इसके ऊपर हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया। सो जैसे ही हम अरेंजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाला जो लेयर था और इसके ऊपर वाला जो लेयर है वो दोनों आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ये जैसे इसका फर्स्ट लेयर था, ये हमारा सेकेंड लेयर हो गया, और जब हम थर्ड लेयर लगाएंगे तो वो भी क्या होगा, सिमिलर एकदम नीचे वाले पैटर्न से क्या होगा, मैच हो जाएगा। मींस फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब हम टेट्राहेड्रल वायर पर हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे, तो आवर फर्स्ट लेयर एंड थर्ड लेयर बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। सो इस तरह के अरेंजमेंट को इसीलिए हम लोग बोलते हैं एबीएबी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। हेक्सागनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा है। ये अरेंजमेंट देखिए, इस तरह से आप अरेंज करते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट को, ऐसे जब पूरा अरेंज करते जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे। ये आपका नीचे वाला क्या हो गया, फर्स्ट रो हो गया,
ये हमारा सेकेंड रो हो गया, ये हमारा क्या हो गया थर्ड रो हो गया। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आपस में क्या है पैरेलल है। हेक्सागन कैसे क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर यहां आप 6 देख रहे हैं थर्ड रो में, फर्स्ट रो में भी ऐसे ही क्या है नीचे भी सिमिलर ऐसे ही अरेंजमेंट है, तो वहां पर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट बीच में होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। बीच में यहां पर देख रहे हैं आप 3 कॉन्स्टिट्यूएंट इस तरह से फिलअप है। सो ऐसा कुछ इसका अरेंजमेंट है कुछ ऐसे। ये 6 हमारे क्या हो गए सबसे नीचे वाले रो में, फिर 3 क्या हो गए सेकेंड रो में, थर्ड वाले में फिर हमारा क्या हो गया 6 हो गया। सो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करेंगे सो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है 6 इस एक ही प्लेन में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर इस प्लेन में कितना आ जाएगा 6 आएगा। जस्ट इसके अपसाइड में देखेंगे तो 3 यहां से आ जाएंगे, अपसाइड देखेंगे तो 3 यहां से आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट, डाउन साइड में देखेंगे तो ऐसे यहां पर भी 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट नीचे होंगे सो वो 3 हो जाएंगे। सो टोटल यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 3 9 3 12। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना आ गया 12 आ गया। बात करते हैं जो थर्ड लेयर लगाते हैं, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वैट्स जो सेकंड लेयर में जनरेट हो रहे हैं उनको हम अगर कवर कर दें तो जो हमारा अरेंजमेंट फॉर्म होता है वो हमारा एबीसी एबीसी टाइप का अरेंजमेंट होता है। और इस पैकिंग को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग एंड एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम भी इसको हम लोग बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इस कंडीशन में कितना होता है 12, जैसे इसमें था वही ऐसे इसमें भी क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होगा 12 होगा। अब देखते हैं हम अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट को प्लेस करते हैं तो कैसा अरेंजमेंट कुछ आता है। सपोज यहां पर ये हमारा इस तरह से कुछ है, ये हमारा क्या है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग पर सेकेंड लेयर लगाया गया। अब हम जब थर्ड लेयर लगाएंगे इस सेकेंड लेयर पर तो हमको करना क्या है जो ऑक्टाहेड्रल वैट्स हैं इनको हमको इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट लगाना है ये इस तरह से कुछ। सो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो किसी भी लेयर में अलाइन नहीं हो रहे। ये हमारा फर्स्ट लेयर दैट इज ए, ये हमारा सेकेंड लेयर हो गया यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट अलाइन नहीं है, ये हमारा बी हो गया। थर्ड लेयर में आप देख रहे हैं तो यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट अलाइन नहीं है, तीनों ही लेयर्स के हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे ये अरेंजमेंट हमारा ए बी सी टाइप अरेंजमेंट कहलाएगा। दूसरा यहाँ पे जब हम लैटिस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग और फेस सेंटर्ड लैटिस फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एंड ये हमारा क्या होता है कुछ इस तरह से। सो बेसिकली अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा यहाँ पर। पैकिंग हमारा 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल टाइप का होता है। 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होता है 2 होता है। 2 डायमेंशनल में हमारा क्या होता है दो तरह की पैकिंग होती है, पहला हमारा होता है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, दूसरा हमारा होता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में देखने कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 होता है एंड AA टाइप अरेंजमेंट ये होता है और इसमें जो वैट्स जनरेट होते हैं हमारा क्या होता है स्क्वायर टाइप वैट्स जनरेट होता है। सेकंड हमने देखा था कि यहां पर हमारा जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा ABAB टाइप होता है, दैट इज ए ये बी ये ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो यहाँ 6 होता है। शेप यहाँ पे जो यूनिट सेल का जनरेट होता है वो हेक्सागोनल होता है, वायर्स जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं बिकॉज शेप यहाँ पर क्या आता है ट्रायंगुलर आता है। थ्री डायमेंशनल की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों के ऊपर हम क्या कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट करते हैं, मतलब सेकंड रो का अरेंजमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट का, वही हमारा थ्री डायमेंशनल होता है। क्योंकि ये दो तरह से है तो थ्री डायमेंशनल वाला भी हमारा दो तरह से अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला हम जो अरेंजमेंट अरेंज करते हैं वो हमारा क्या होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर और दूसरा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम देखते हैं कि दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल है, AA टाइप और हमारा ABAB टाइप अरेंजमेंट पॉसिबल है। AA टाइप में क्या होता है जो सेकेंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसके जस्ट ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूएंट को रखते जाएंगे सो हमारा क्या फॉर्म होगा क्यूबिक क्लोज लैटिस फॉर्म होगा एंड यू कैन से द प्रिमिटिव लैटिस फॉर्म होगा इस कंडीशन में, दैट इज अ क्यूबिक लैटिस फॉर्म होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम यहां बात करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है यहां 6 होता है। दूसरा जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हम जो अरेंजमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं जो यहां डिप्रेशन होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वहां पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट को अरेंज करेंगे। सो यहां पर जो लैटिस जनरेट होती है वो हमारा क्या होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर की यहां बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है 8 होता है। अब हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल पैकिंग ओवर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हमने देखा था कि ये हमारा क्या हो गया जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये हमारा क्या होता है फर्स्ट लेयर था, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। हम जब सेकंड रो इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो जो भी यहाँ पे डिप्रेशन होता है इसके ऊपर सेकंड रो के कॉन्स्टिट्यूएंट को इसके ऊपर हम प्लेस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें दो तरह के वाइट्स जनरेट होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के दोनों के जो वाइट्स हैं वो आपस में ओवरलैप हो जाए, अगर ओवरलैपिंग हो रहे हैं तो वो हमारे कहलाते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइट। फर्स्ट और सेकेंड रो में जो ट्रायंगुलर वैट्स हैं अगर आपस में ओवरलैप हो रहे हैं तो दैट वैट इज नोन एज अ ऑक्टाहेड्रल वैट।
और ऐसा वैट जिसमें हमारे क्या हो रहे हैं वैट्स ओवरलैप नहीं हो रहे, वो हमारे कहलाते हैं टेट्राहेड्रल वैट। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये वैट जो है ट्रायंगुलर वैट, नीचे हमारा क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, तो ये तो मैच तो नहीं किया, तो ये हमारा क्या होगा टेट्राहेड्रल वैट। इन द सेम वे यहाँ पर भी है, फर्स्ट लेयर में देखिए जो ट्रायंगुलर वैट था, जब सेकंड हम कॉन्स्टिट्यूएंट उसके ऊपर रखे तो वो हमारा क्या ये जो वैकेंट स्पेस था उसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया, कोई वैट नहीं है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा ट्रायंगुलर वैट कहलाएगा। एक मेन कॉन्सेप्ट है इसमें कि जो हमारे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे एन है, सो टोटल टेट्राहेड्रल वैट कितने होंगे जस्ट डबल होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वैट हमारे कितने होते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट के इक्वल ही होते हैं। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं थर्ड लेयर लगाते हैं इसी के ऊपर अगर हम थर्ड लेयर लगाते हैं उस कंडीशन में क्या होगा। थर्ड लेयर लगाने की दो पॉसिबिलिटीज है, पहला तो हम क्या करेंगे कवर करेंगे टेट्राहेड्रल को सेकेंड लेयर के, और दूसरा हमारा क्या है कवर करेंगे ऑक्टाहेड्रल वैट को। सो अगर हम टेट्राहेड्रल वैट को कवर करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट हमारा एबीएबी टाइप का होता है, दैट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यू कैन से द एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे जो होते हैं हमारे कितने होते हैं 12 होते हैं, और दूसरा अगर हम ऑक्टाहेड्रल वैट को करते हैं तो हमारा कैसा अरेंजमेंट पॉसिबल होता है एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट होता है। इसमें जो लैटिस फॉर्म होती है दैट इज अ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग होती है, और यू कैन से द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी कितने होते हैं 12 होते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा कि जो अगर हम थर्ड रो जब लगाते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। टेट्राहेड्रल के केस में क्या फॉर्म होता है एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, एंड ऑक्टाहेड्रल को वैट के ऊपर अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमको क्या मिलता है एफसीसी एंड क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, दैट इज सीसीपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।